गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम शिल्पा वर्मा, टीचर फ्रॉम इंदिरा देवी पब्लिक स्कूल, स्टडी क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट ईवीएस। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस चैप्टर 23rd, विजिट टू गोवा। अबाउट दिस चैप्टर वी डिस्कस गोवास मेन कैपिटल्स, व्हाट लैंग्वेज आर स्पोकन हियर एंड व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इट द गोवा। टुडे वी डिस्कस मोर अदर इंफॉर्मेशन अबाउट गोवा। ओके, सोनो इट इज़ अ हॉट देयर। तो सोनू नाम का जो बॉय है वो सलीम से, जो गोवा घूम के आया है अपने चाचा के यहाँ से, उससे पूछता है कि यहाँ क्या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सलीम, नो, गोवा इज़ वेरी प्लेजेंट। गोवा जो है बहुत ही, गोवा का जो मौसम है बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही खुशनुमा रहता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, ना ही यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। डेज आर सल्ट्री, सल्ट्री मीन्स होता है उमस, दिनों में थोड़ा सा गर्मी उमस होता है। बट नाइदर आर सॉरी नाइट्स आर कूल, बट रात में यहाँ क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है। इट्स गेट हैवी रेनफॉल, और यहाँ बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। नीलू टेल समथिंग स्पेशल अबाउट दिस प्लेस, नीलू कहती है कि इस प्लेस जो गोवा है उसके बारे में क्या खासियत है या क्या स्पेशलिटी है इस प्लेस की, उसके बारे में बताओ। सलीम, रेयर काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ऑफ द सोर्स ऑफ गोवा, गोवा के समुद्री तट पर एक अनेक अनोखी प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। इट्स ग्रोस ओनली इन सॉल्टी वाटर, ये जो वनस्पति है केवल वहाँ के समुद्री जो पानी है उसी में पैदा होते हैं। दे आर कॉल्ड मैंग्रोव, इसको क्या कहा जाता है, मैंग्रोव्स कहा जाता है। इट हैज़ पॉइंटेड रूट, इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, विद टाइनी पोर्स, और साथ में इसकी जड़ें नुकीली भी होती है, टाइनी मीन्स नुकीली भी होती है। ऑन द ट्री द रूट्स कम आउट सॉरी पोर्स राइस अबोव द मार्सी लैंड, और ये जो वनस्पति है वो दलदली, मार्सी मीन्स दलदली भूमि में ही ग्रो करती है। द फ्रूट ऑफ मैंग्रोव्स जर्माइट वेन दे आर स्टील ऑन द ट्री, मैंग्रोव्स जो ट्री है वो जनरली जो दलदली भूमि होती है उसी में पैदा होती है, और इसके जो बीज हैं वो फूट कर जब ज़मीन पर गिर जाते हैं। द रूट्स कम आउट ऑफ द जर्मिनेटेड फ्रूट्स फॉल इन टू द मार्सी लैंड वेयर दे स्टार्ट ग्रोइंग अ बिगर ट्री, जब इसका इस जिस समय पेड़ पर लगे उसमें सभी अंकुरण फूट जाते हैं, और ये अंकुरित फूल ही गिर के ज़मीन पर गिरते हैं, तो इसके कारण ही या इसका और जो पौधा है ज़मीन पे गिरे हुए फल के कारण ही वहाँ पे और पौधे उगने लगते हैं। उमेश, फ्रॉम वेयर डू पीपल कम टू विजिट गोवा, उमेश कहाँ कहाँ से लोग गोवा में विजिट करने या गोवा को घूमने आते हैं। सलीम, मैनी पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एंड एब्रॉड कम टू द गोवा एंजॉय इट्स लॉन्ग एंड सैंडी बीचेस, भारत के अलावा विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं, इसके जो लंबी लंबी जो समुद्र में जो लहरें बनती हैं या यहाँ जो रेतीली जो बीच है, घूमने का रेतीला जगह है, उसका एंजॉय करने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। नीलू, सलीम, व्हाट इज़ द बीच, बीच किसे कहा जाता है। मैडम, द पार्ट ऑफ द सी कोस्ट विच डज नॉट हैव स्लोप्स एंड डज नॉट एक्सपीरियंस हाई वेव इज कॉल्ड बीच, बीच किसे कहा जाता है, समुद्र का वह किनारा जिसमें ढाल भी कम होता है और समुद्र की लहरें भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, इस जगह को हम बीच कहते हैं। बीचेस आर ऑलवेज क्राउडेड विथ पीपल, बीच जो होता है समुद्री बीच वो हमेशा लोगों से भरा हुआ होता है। पीपल स्विम इन सी प्ले ऑन इट्स सैंडी बीचेस, क्योंकि लोग यहाँ नहाना यहाँ आके तैराकी भी करते हैं और यहाँ इनके जो रेत होते हैं उनमें खेलना भी पसंद करते हैं। कलिंगुट इज़ द फेमस बीच ऑफ द गोवा एंड इट्स विजिटेड बाई 100,000 ऑफ द टूरिस्ट एवरी ईयर, गोवा का एक फेमस बीच है उसका नाम है कलिंगुट, यहाँ गोवा का यह फेमस बीच है और यहाँ पे जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में हर साल आते हैं।
मैडम आस्क्ड सलीम, मैडम सलीम से पूछती, मैडम जो है सलीम से पूछती, हैड यू बीन टू द वेरियस चर्चेस इन गोवा, क्या तुम सलीम गोवा गए थे, तो गोवा के जो अलग अलग बहुत सारे चर्चेस हैं वहाँ भी तुमने वहाँ भी तुम गए थे सलीम? यस मैडम, देयर आर मैनी बिग चर्चेस इन गोवा, यस जी मैम गोवा में बहुत सारे बड़े बड़े चर्च भी हैं। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड हियर विद ग्रेट एंथोसियम, यहाँ पर जो क्रिसमस का त्यौहार है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। डू पीपल इन योर रीजन सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या आपके यहाँ भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? यस। व्हाट डू पीपल डू ऑन द ओकेशन ऑन क्रिसमस, डिस्कस, क्रिसमस पे लोग जो क्रिसमस होती है उस पर क्या क्या करते हैं इसके बारे में बताना है। चर्च इज़ डेकोरेटेड ऑन क्रिसमस, जो चर्च होता है जहाँ पे क्रिश्चियन समुदाय के लोग प्रेयर करते हैं उसे पूरी तरीके से पूरे फूलों से और जो लाइट्स होती है इलेक्ट्रिक लाइट्स उससे डेकोरेट कर दिया जाता है। एंड पीपल्स कट्स केक, सांता क्लॉज गिव्स चॉकलेट गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रंस, और क्रिसमस के दिन पीपल क्या करते हैं, लोग वहाँ पे केक काटते हैं और सांता क्लॉज जो होता है वो सारे बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट भी देता है। राइट, वेयर डू यू हैव चर्च इन यूअर रीजन, आपके आस पास चर्च कहाँ है उसके बारे में बताएंगे। वी हैव मैनी चर्च इन रायपुर, इन बैरंग बाजार, इन जी रोड्स एक्सेट्रा, हमारे यहाँ जो चर्च है वो कहाँ है, रायपुर में, बैरंग बाजार में है, जी रोड में है, ऐसे बहुत सारी जगह पे हमारे यहाँ भी चर्च सिचुएटेड है। सलीम टोल्ड देम द टूरिज्म इन द मेन सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर द पीपल टू गोवा, यहाँ आने वाले अधिकतर लोगों का जीवन यापन, यहाँ के आए जो बाहर के लोग यहाँ विजिट करने आते हैं ना गोवा घूमने, उन्हीं देसी विदेशी लोगों पर ही निर्भर करता है। राइट, फॉर एनी फाइव थिंग्स डू यू नो अबाउट गोवा, पांच चीज़ें जो आप गोवा के बारे में जान चुके हैं। गोवा इज़ अ स्मॉल स्टेट सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ सी, गोवा एक छोटा सा राज्य है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। फिशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यहाँ का मुख्य पेशा मछली पालन या मत्स्य पालन है। क्लाइमेट ऑफ द गोवा इज़ वेरी प्लीजेंट, यहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही खुशनुमा होता है। मैनी फॉरेन टूरिस्ट विजिट गोवा एवरी ईयर, बहुत से विदेशी जो यात्री हैं, विदेशी टूरिस्ट हैं, वो भी यहाँ पे हर साल आते हैं। क्रिसमस इज़ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द गोवा, और यहाँ का मुख्य त्यौहार क्रिसमस है। ओके, दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 23, विजिट टू गोवा कम्प्लीटेड।